बड़ी खबर इस बीच सबसे पहले आपके सामने, जहां बेंगलुरु में शाम 5 बजे का वो वक्त होगा जब विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। 26 दलों के नेता बैठक में शामिल हैं और 2024 के लिए सीट शेयरिंग पर हो सकती है बातचीत। गठबंधन के नाम पर चर्चा होने की संभावना भी बनी हुई है, जहां ये आज और कल दो महत्वपूर्ण दिन, दो महत्वपूर्ण तारीख जब विपक्ष कर रहा है बड़ी बैठक। तो विपक्ष की महाबैठक का आखिर एजेंडा क्या है, हमारे सहयोगी से इस बारे में और डिटेल जानकारी। से पहले एक एक जानकारी अब इंफॉर्मेशन वॉल पर भी आपके सामने होगी, जहां राज्यों में सीट शेयरिंग पर चर्चा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण भी है कि सब साथ तो आ गए हैं, लेकिन साथ आने के बाद कौन कितना राजी हो जाएगा। सबसे पहला मुद्दा है यहां पर राज्यों में सीट शेयरिंग पर चर्चा। हालांकि गठबंधन के नाम पर मंथन को लेकर भी बड़ी खबर है, क्योंकि पटना में पहले बैठक हुई, अब बेंगलुरु में बैठक हो रही है। नई पार्टियों को जोड़ने पर जिस तरीके से विचार किया जा रहा है, एकजुट विपक्ष एक बड़ा संदेश देने की जिस तरीके से कोशिश करेगा, इसी पर सबकी नजर भी बनी हुई है। तो विपक्ष की इस महाबैठक एजेंडा क्या क्या है, ये तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब बेंगलुरु में होने वाली आज की बैठक पर विपक्षी नेताओं की तरफ से क्या कहा गया, पहले वो सुनिए। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोकलाई हुई है। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही आने वाली कि उनके पास मोदी है, जिनको वो एसेट माने चलते थे, अब वो लायबिलिटी होते जा रहे हैं। कर्नाटक ने दिखाया, आने वाले दिनों में आपको और राज्यों में भी दिखेगा और 24 में भी दिखेगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एनडीए की बैठक में 29 या 30 सदस्य आएंगे। क्या इनमें से एक भी ऐसा राजनीतिक दल होगा जिसको प्रधानमंत्री परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं? प्रधानमंत्री हिम्मत दिखाएं, एक भी ऐसे दल को उन्हें एनडीए में नहीं बुलाना चाहिए जिसको वो परिवारवादी मानते हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन पहले तो इसी पर हमला बोल रहे थे अपने रीजनल पार्टीज पर। क्या बातचीत होगी, क्या आज का एजेंडा है, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो एक कुनबा है, जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है, भाजपा डरी हुई है। और कल की जो गतिविधियां वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। देश के लोगों ने मन बना लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने देश के लोगों के ओर से ये मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। तीन बड़े बयान आपने सुने, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह 2024 का पावर टेस्ट है? इंफॉर्मेशन वॉल पर फिलहाल डिटेल आपके सामने आज और कल होने वाली बैठकों को लेकर, जहां देखिए किस तरीके से संयुक्त विपक्ष की बैठक हो रही है बेंगलुरु में, वहीं एनडीए की बैठक होनी है कल दिल्ली में। तारीख के बारे में भी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि 17 और 18 जुलाई आज और कल ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है बेंगलुरु में, जबकि एनडीए की बैठक है कल दिल्ली में। 18 जुलाई को यह बैठक होने वाली है। हालांकि संयुक्त विपक्ष के 26 दल जिस तरीके से एक साथ बेंगलुरु में जुटे हुए हैं, वहीं एनडीए के 29 दल एक साथ यहां पर सामने आने वाले हैं। और महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से, ये समझ लीजिए कि संयुक्त विपक्ष की 11 राज्यों में सरकार है, जबकि 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है। ऐसे में ये बैठक को लेकर बड़ी खबर है कि किस तरीके से 2024 के इस पावर टेस्ट में किसका क्या महत्वपूर्ण रोल लेने वाला है, क्योंकि देखिए लोकसभा सांसद यहां पर 141 इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं, जबकि कल होने वाली बैठक में 333 लोकसभा सांसद यहां पर मौजूद बताए जा रहे हैं, जबकि 98 राज्यसभा सांसद और 111 एनडीए के सांसद। ये डिटेल आपके सामने इसलिए क्योंकि एक बड़ा सवाल उठाया, जहां 2024 का ये पावर टेस्ट कहा जा रहा है। हालांकि विपक्ष की बैठक पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। उनकी तरफ से ये बयान सामने आया कि विपक्ष के सपने एक और मुंगेरी अनेक। 24 के चूल्हे को खिचड़ी खानदान बताया जा रहा है, खिचड़ी खानदान के खुरचंद से अधिक ये कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अपने सहयोगियों को धोखा देती आई है। चुनावी चूल्हे की ख्याली खिचड़ी खानदानी खुरचंद साबित होगी, क्योंकि इसमें जो है वो जो लोग हैं उनके सपने जो हैं वो एक हैं, लेकिन मुंगेरी अनेक हैं। इसमें ख्वाहिशें एक हैं और खानदान अनेक हैं। तो ऐसी स्थिति एक है ना शेर की, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो सबकी ख्वाहिशें तो एक है कि किस तरह से सत्ता के सिंहासन पे पहुंचो, कैसे जो है वो गठबंधन की गठरी को हाईजैक कर लो। कांग्रेस का तो इतिहास है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं।
बेंगलुरु से हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और दिल्ली से संवाददाता आमोद राय एनडीए की बैठक के बारे में उनसे करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले कुमार विक्रांत आपके पास आना चाहूंगी, बैठक के एजेंडे की इन्फॉर्मेशन तो हमने दी लेकिन सोनिया गांधी की मौजूदगी में क्या बड़े फैसले संभव है अब? देखिए तीन बातें बड़ी अहम हैं। पहली ये कि गठबंधन का नाम यूपीए ही रहे या कोई और हो, इसके लिए कांग्रेस ने बाकी सहयोगी दलों पर छोड़ दिया है कि वो क्या चाहते हैं। यूपीए का अध्यक्ष, चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसी से होना चाहिए। अब वो सोनिया गांधी को रखना चाहते हैं सहयोगी दल या मल्लिकार्जुन खड़गे को या राहुल गांधी को, ये भी सहयोगी दलों सॉरी टू बटन कुमार अभी मुझे पता है आप इन्फॉर्मेशन और देंगे लेकिन सोनिया गांधी की मौजूदगी इसलिए मैंने कहा क्या ये यूपीए के रिवाइवल की कोशिश है? ये निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि यूपीए नाम ही रखा जाए या नया नाम रखा जाए। अगर नया नाम रखा जाए तो राहुल गांधी, खड़गे या सोनिया गांधी में से किसको चेयरपर्सन बनाना है ये सहयोगी दल तय कर ले, कांग्रेस वो मान लेगी। लेकिन यूपीए अध्यक्ष कांग्रेस का ही हो क्योंकि तो सबसे बड़ी पार्टी वो है। संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार का नाम है जिस पर सभी लोग सहमति देंगे तो वहाँ पर बात बनेगी। इसके अलावा दो तीन सब कमेटियाँ बननी हैं जिसमें कि किन किन मुद्दों पर आंदोलन करना है, किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है और सावरकर जैसे किन मुद्दों को नहीं छूना है, इस पर तय करने के लिए कुछ सब कमेटियाँ बनाई जाएँ। इसके बाद जो कल की बैठक हो जाएगी उसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर के राज्यवार चर्चा की शुरुआत होगी, उसके लिए एक सब कमेटी बनाई जाए क्योंकि बार बार 26 दलों के सभी नेताओं को एक साथ बुलाना बैठाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सब कमेटियां भी बनेंगी। और साथ ही साथ यह भी तय हो जाएगा कि किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना है, सीटों के बंटवारे की बात और गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, नाम क्या होगा, उसका संयोजक कौन होगा, ये सारी चीज़ें कल तय होंगी। आज शाम को 6 बजे अनौपचारिक तौर पर ये नेता बैठेंगे। शरद पवार और ममता बनर्जी के पैर में चोट थी, सोनिया गांधी ने फ़ोन किया तो ममता बनर्जी ने हामी भरी, वो कल यहाँ सुबह पहुँचेंगे। आधिकारिक तौर पर बैठक कल सुबह 11 बजे शुरू होगी जो कि शाम को करीब 3 से 4 बजे तक चलेगी और उसके बाद सभी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दो बातें याद रखिएगा, पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले केजरीवाल चले गए थे और पिछली बार शरद पवार के साथ जो प्रफुल्ल पटेल आए थे वो अब एनडीए के पाले में जा चुके हैं। यानी मेजर मैनेजमेंट अभी भी करने की जरूरत है सहयोगी दलों को साथ लाते हुए। लेकिन आमोजी ये मेजर मैनेजमेंट वर्ड मैंने इसलिए यूज करा क्योंकि एनडीए की कल की होने वाली बैठक को क्या कहूं, माइक्रो मैनेजमेंट, छोटे छोटे दलों को साथ लाते हुए अब ये कवायद शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, आप कह सकती हैं कि बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट करने जा रही है और बीजेपी और आज की जो बैठक यूपीए की हो रही है उसमें एक बेसिक अंतर ये है कि बीजेपी लगभग 450 सीटों के आसपास खुद चुनाव लड़ेगी जबकि यूपीए में अभी तय नहीं है, उसमें बड़े बड़े दल हैं इसलिए उसमें बराबरी के स्टेक लेने की बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के जो गठबंधन दल हैं उसमें तकरीबन 29 कन्फर्म पार्टियां हैं। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि एक दो पार्टियां और बढ़ सकती हैं, इनकी संख्या 31 तक जा सकती हैं। लेकिन वो जितनी भी पार्टियां हैं उनके उनके वोट बैंक तो मजबूत हैं लेकिन उनके दावे छोटे हैं, लिहाजा बीजेपी के लिए एक कंफर्ट पोजीशन रहती है। और कल इस बैठक को शाम 8 बजे होना है, उस बावत आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अभी 5:30 बजे वो मीडिया से मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है कि उसमें एनडीए के स्वरूप के बारे में भी वो कुछ बता सकते हैं। कंफर्ट जोन में बीजेपी यहां पर रहती है लेकिन वहीं विपक्षी दलों की बैठक में कुमार इस बात पर नजर बनाए रखेंगे किस किस को कंफर्टेबल करने में यहां सब कामयाब रहते हैं। आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।